बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जंजीर अदल के साथ मैं हूं आपका मेजबान शादाब रियाज। और मैं हूं मोहम्मद अहमद पनसोता। गड़ी हसन जैकबाबाद के अंदर जो है वो दो बच्चियों को वनी कर दिया गया और उसमें वो पसंद का मसला था और फिर जिरगा बना। जिरगे में कादिर बख्श साहब जो है ये बैठे थे, इसके अलावा कादिर बख्श की बेटी थी, कादिर बख्श की बेटी थी, उसमें एक एमएलए थे, उनके भाई थे सल्की साहब, उनके भाई थे, बैठे थे। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हम उनसे डिटेल्स देते हैं इसकी और फिर डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या डिटेल है इसकी, ये जैकबाबाद का जो दो बच्चियों को वनी किया गया है इसके वाले से? जी मैं आपको बताता रहता हूँ कि जैकबाबाद की तहसील थुल के गांव गड़ी हसन सरकी में सियाकारी कर्जा में कत्ल की गई फरदाना दो के कत्ल का जरगा 9 माह कबल सरदा जुल्फा सरकी के सरबराही में हुआ था, जिसमें जुर्म साबित होने पर बजगर कादिर बख्श पर 11 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था। बजगर ने गुर्बत के बायस जुर्माने की रकम की अदायगी के लिए अपनी तीन बेटियों में शादीशुदा 18 साल नूरबानो, 8 साल कजबानो, 2 साल जमीरा को अपनी बरादरी के अफराद को 5-5 लाख रुपए में फरोख्त करना चाहता था। ये किसके बारे में आप बता रहे हैं? ये बच्चियों के बाप ने ऐसा किया? जी बिल्कुल, ये बेटी के बाप कादिर बख्श ने अपनी बेटियों को 5-5 लाख रुपए में फरोख्त करना चाह रहा था अपनी बिरादरी के लोगों में। जी अहमद साहब ये क्या हो रहा है? देखें वो जो ये बता रहे हैं वो एक बाप इस लेवल तक किया गया, तो फिर वही पुराने दौरे जहालत में हम वापस जा रहे हैं। ये तो सर उससे भी पीछे हमें वापस ले जाना चाह रहे हैं। आप ये देखें जो वाकया, चूंकि उन्होंने काफी तफसील से बताया, उसको समराइज हम करें अपने व्यूअर्स के लिए कि एक आदमी ने पसंद की शादी कह लें या उसने अपनी खातून उसको पसंद थी उसके साथ शादी करना चाहिए, उस सिलसिले में उसको सजा हुई जिसमें उसको 11 लाख रुपया फाइन हुआ और उस फाइन को देने के लिए उसने अपनी दो बच्चियां आप समझ लें गिरवी रखवाना या उनको वनी करार दे देना उनको बेसिकली। अच्छा पहले बाकी की बात भी, अच्छा आगे फिर क्या हुआ इसका डिटेल्स? जी आगे मैं आपको बताता चलूं कि वजीर अल सिद्ध सईद कामली शाह ने नोटिस लेते हुए डीआईजी लाड़काना रखियो मिरानी को मुजुर्मों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए, जिस पर एसएसपी जैकबाबाद मलक जफर इकबाल ने गड़ी हसन। अच्छा कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ है अभी इस केस में? सर इसमें तो जो मुलजिम है वो तो लड़की के बाप और उसका जो शोहर है वो और उसका ससुर अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर लिया है। जी अच्छा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी तो जो जिरगे में बैठे थे, जो बड़ी बड़ी शख्सियात जिरगे में बैठी थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई छापा कुछ? सर वो मैं आपको बताता चलूं कि जो जिरगा के सरबरा थे सरदार जुल्फा सरकी ने अपनी गिरफ्तारी लेने के लिए गड़ी संस्थाने खुद पहुंचे थे, लेकिन वहां पे पुलिस का अमला गायब था। जराए का मजीद ये भी कहना था, वो निकल गया होगा ना सिल्की साहब को, उन्होंने कहां पकड़ना था? सर वो तो जो जरगे के सरदार हैं जुल्फा सरकी तो वो तो वहीं पे थाने पे पहुंचे, तो बात सर लोगों को यही तो बात होते हैं वो अपने थानेदार को खुद ही अपने इलाके में रखवाते हैं तो उसको गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? ये तो एक बहाना था थाने का जो खुद वहीं पर गया, तो अमला नहीं था, ये तो एक सिर्फ ड्रामा ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बात समझ में आ गई नाज़रीन। इंतहाई दिल हिला देने वाला वाकया के बाप खुद अपनी बेटियों को 5-5 लाख रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ समन मिनुल्ला जो है हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन है और इन्होंने 2004 में इस हवाले से जरगे के हवाले से एक पिटिशन भी दायर की थी। अस्सलाम वालेकुम समन। अच्छा समन ये बताइएगा कि जो ये वाकया हुआ है जो जैकबाबाद में दो बच्चियों को वनी कर दिया गया है, इस हवाले से आपकी पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए की 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है और उसमें चीफ जस्टिस साहब या जो भी जजेस वहाँ होंगे वो इन्हीं केसेस के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि बावजूद इस बात के कि 2004 में सखर बेंच ने भी जर्गों को इलीगल करार पाया था और भी बहुत सारे इस तरह के ऑर्डर्स आए हैं, जिस तरह के ये जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो पिटिशन है जो कि मैंने फाइल किया था और एनसीएसडब्ल्यू भी इसमें वो है पिटिशनर, इस भी ये बारहा कहा गया है कि ये बिल्कुल एक इलीगल तरीका है, खासतौर पे जहां बच्चियों को एज कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो ये अभी 6 तारीख को जी हमें उम्मीद है कि कोई और ज्यादा हार्श ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि
پورے پاکستان میں خاص طور پہ سندھ میں بھی جو جس طرح سے جرگے ہو رہے ہیں, جس طرح سے بچیوں کو سنگ چٹی میں دیا جا رہا ہے قتل کے کیسز میں یا اور اس طرح کے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے. اچھا سمجھ, یہ مجھے بتائیں, دیکھیں جرگے کی تو ہم بات کر رہے ہیں, جس باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے بچیوں کو 5-5 لاکھ روپے میں فروخت کر لیا, کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں نہیں رجوع کریں گی؟ دیکھیں جی, یہ اسی کے خلاف تو ہے کیونکہ قانون جو ہے وہ 3A کے مطابق جو بھی بچیوں کو دے گا یا لے گا اس میں وہ والد بھی آتا ہے, اس میں وہ جرگے آتے ہیں, اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ جرگے میں بیٹھ کے اس فیصلے کا حصہ تھے, ان سب کو اس کے تحت اریسٹ کیا جا سکتا ہے جی 3 سے 10 سال تک. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قوانین ہونے چاہیے, لیجسلیشن نہیں ہے, لیکن جہاں ان قوانین کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی یا ان قوانین کو توڑنے والے ہی لا میکرز ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کریں؟ مطلب جرگوں میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے, یہ بڑے سردار, یہ وہاں کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ. یہ بالکل ٹھیک سمر, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل اگری کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. ناظرین یہاں بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اسی ٹاپک پہ.